देखिए, आज सेवंथ हाउस की डिजीज के बारे में बात करेंगे। सेवंथ हाउस बहुत ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स हाउस है। ये दो भावत भावन से जुड़ा हुआ घर है। चौथे से चौथा है, आठवें से आठवां है, दसवें से दसवां, सॉरी, चौथे से चौथा है, दसवें से दसवां है। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों तरफ से, यदि हम इसको केंद्र ले लें, दो केंद्रों से जुड़ा हुआ घर है और अपोजिट हमें हाउस हमेशा जुड़ा रहता है, इसलिए पहला घर भी जुड़ गया। सेवंथ हाउस एक ऐसा घर बन गया जो आपके लगन से तो सीधा जुड़ा ही होता है कि आपका लगन का सातवां घर होता है। उसके साथ आपके हेल्थ के घर से चौथा घर बैड हेल्थ का होता है, उससे भी जुड़ा रहता है। ये भावत भावों के चौथे से चौथा होने से जुड़ा होता है। और टेंथ हाउस आपके प्रोफेशन का होता है, आपकी बहुत सी अलग चीजों से जुड़ा होता है, उससे दसवें से दसवां होने की वजह से भी ये यहां से जुड़ा हुआ है। वर्चुअली ये जो घर है सुख स्थान से जुड़ा हुआ है, आपकी माता से जुड़ा हुआ है, आपके कंफर्ट लेवल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको खुद को, सेल्फ को, पहले घर को कुछ हो गया, उसका असर सेवंथ हाउस पे आता है। दूसरा मतलब ये हो गया कि आपके माता के घर को, आपके कंफर्ट के घर को, आपके प्रॉपर्टी के घर को, लग्जरी के घर को, सुख स्थान को कुछ हो गया तो उसका सीधा असर सेवंथ हाउस पे आता है। और तीसरा ये हो गया कि आपके टेंथ हाउस को, जो आपके प्रोफेशन का घर है, आपके मान सम्मान का घर है, आपके नेम फेम का घर है, यदि उसके साथ कुछ होता है, उसका भी असर सेवंथ हाउस पे आ रहा है, क्योंकि ये चारों घर आपस में बुरी तरह से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी जो मैरिड लाइफ है, जैसे पहले घर पे कुछ हुआ तो उस पे असर आता है, फोर्थ पे हुआ तो भी उस पे असर आता है, टेंथ पे हुआ तो भी असर आता है, क्योंकि मैरिड लाइफ सेवंथ हाउस से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। हमारे जेनेटिक्स से लेके हमारी सेक्स लाइफ तक हर चीज यहां से जुड़ी हुई है। इसलिए इस घर को आपने जब पढ़ना है तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये एक पोर्टेंट मार का स्थान भी है। पोटेंट मार्का से मेरा मतलब है कि इंसान ऐसे ही मरता नहीं है। इंसान को जो वो अपनी डे टू डे लाइफ में इंपैक्ट बियर करता है जिंदगी में, उसका जो असर होता है वो हमें मौत के करीब लेके जाता है। जिसका पहला घर अच्छा है, रिष्ट पुष्ट शरीर है, वो जिंदगी में जल्दी, उसकी डेथ नहीं होती, बीमारियां उसको नहीं लगती हैं। जिसके घर में सुख है, चैन है, अच्छी जिंदगी है, हर तरह का कंफर्ट है, उसको भी ज्यादा बुरी बीमारियां नहीं लगती हैं। जिसका प्रोफेशन अच्छा है, प्रोफेशन में कोई परेशानियां नहीं है, वो भी काफी देर तक अच्छी हेल्थ को बनाए रखता है। इसलिए, क्योंकि ये बहुत तरफ से अफ्लिक्टेड हाउस है, अच्छा या बुरा अफ्लिक्शन इस पे आता है, इसलिए इसको पोटेंट मार का स्थान भी बोलते हैं, सक्षम मार का स्थान। अब यदि देखा जाए कि काल पुरुष की कुंडली में शांति कर्मा भी इसी घर से देखे जाते हैं। अब बात करते हैं लिब्रा काल पुरुष की कुंडली का
साइन यहां पे होता है, तुला राशि यहां पे काल पुरुष की कुंडली में होती है। ये जो एरिया ऑफ वर्किंग है इसका, वो आपकी नेवल जो धुनी होती है, धुनी से लेके आपके थाइस का अपर पार्ट ऑफ द थाइस, आपके अपर लेग्स होते हैं उनका अपर पार्ट तक इसका इसकी बाउंड्री है। और आप जानते हैं कि आपके जितने महत्वपूर्ण काम हैं नेवल से लेके थाइस के अपर पार्ट के बीच में होते हैं, जिनमें मुख्य आपके मेल पर्सन में सीमेन, सेक्सुअल एक्टिविटी, एलमेंट रिगार्डिंग टू द सेक्स, सेक्सुअल मोरलिटी, यूरिन ब्लैडर, यूट्रस, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, किडनी, स्प्लीन, गाल ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड और हर्निया जैसे महत्वपूर्ण ऑर्गन हमारी बॉडी के हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। इसका नेचुरल कार का शुक्र है, क्योंकि ये सेवंथ हाउस शादी से जुड़ा हुआ है। शादी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे काम होता है उसका जो नेचुरल कार का है वो शुक्र है। मंगल यहाँ पे खून का कारक है, आपकी सेक्सुअल पोटेंसी का कारक है, आपके विगर का, सेक्स की ताकत का कारक है। बृहस्पति को यहाँ पति का कारक माना गया है, चंद्रमा को यहाँ औरतों के गर्भ का कारण माना जाता है, उनके गर्भ से रिलेटेड, उनके यूट्रस से रिलेटेड, उनसे उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, उनका गर्भवती होना और उसके बाद बच्चा होने तक के साइकिल को, जो उनका मैटरनिटी साइकिल है, उसको भी हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। सूर्य, सैटर्न और राहु यहाँ अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि ये जो प्लेनेट है ये क्रूअल प्लेनेट, सेपरेटी प्लेनेट और बुरे प्लेनेट माने जाते हैं। उनके यहाँ होने से, सूर्य, शनि और राहु के यहाँ होने से वैवाहिक जीवन और वैवाहिक जीवन के जो सुख हैं उनपे बुरा असर पड़ता है। बात बीमारी की करेंगे, हमारी क्लास जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की है। किडनी की जो बीमारी है वो यहीं से देखी जाती है। किडनी का काम हमारा ब्लड की इम्प्योरिटी को फिल्टर करके, जो इम्प्योर लिक्विड होता है उसको पेशाब की हालत में हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है। जो किडनी के मसाम है, किडनी में जो छिद्र होते हैं जो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, उनको नेफ्रोन्स बोलते हैं। इसलिए नेफ्रोलॉजी जो है वो किडनी से संबंधित जो बीमारियों के डॉक्टर होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। इनमें सबसे कॉमन जो बीमारी होती है वो किडनी में सूजन का आना, किडनी में इन्फेक्शन का हो जाना, किडनी में पेन होना, किडनी में स्टोन होना और डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी का नुकसान हो जाना, ये कुछ बीमारियां हैं जो किडनी को होती हैं। स्टोन की बीमारी मेजर बीमारी अक्सर पाई जाती है, कॉमनली नोन डिजीज है किडनी की, जो कैल्शियम एंड फास्फोरिक साल्ट
जब यूरिक एसिड के साथ मिलता है तो पत्थरों का वहां पे स्टोन फॉर्मेशन करता है, जिनको ऑपरेशन के जरिए या दवाई के जरिए निकाला जाता है। किडनी से स्टोन को निकालना गॉल ब्लैडर के स्टोन को निकालने से ज्यादा आसान माना जाता है। कई बार ये स्टोन अपने आप दवाई की वजह से भी निकल जाते हैं। किडनी का जो मेन कारक है, उसमें जो स्टोन का कारक है उसको सैटर्न माना गया है, और किडनी से संबंधित जो गॉल ब्लैडर है उसका कारक मरकरी माना गया है। सूर्य जो बाउल है हमारा उसका कारक माना है सैटर्न अलोंग विद मार्स एंड राहु। जब साथ में घर को लिब्रा साइन को, वीनस को और चंद्रमा को देखते हैं तो किडनी की कोई ना कोई डिजीज हमारे बॉडी में आ जाती है। कभी कभी ये डिजीज इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि हमें डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। कई बार किडनी ट्रांसप्लांट भी करानी पड़ती है। ट्रांसप्लांट कराई हुई किडनी की एवरेज जो लाइफ है 10 साल तक मानी जाती है। यदि कोई इन्फेक्शन या कुछ बुरा पेशेंट के साथ उस समय में ना हो। इसका कारक जो है वीनस है। मरकरी वीनस मून छठे घर का स्वामी, सेवंथ हाउस छठा घर और सेवंथ हाउस किडनी डिजीज को सपोर्ट करते हैं। एक बात बताना मैं जरूर समझता हूं आपको, आपके फायदे के लिए। कई बार आपके लिए किडनी की जरूरत जिसको है वो आपके पास आएगा, वो पूछेगा क्या मेरे को किडनी मिल जाएगी, क्या मैं किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद ठीक रहूंगा। और उसके साथ ही उसी समय एक दूसरा व्यक्ति भी आपके पास आ सकता है कि मैं किडनी डिनोट करना चाहता हूं, किडनी को मैं किसी को देना चाहता हूं, किसी को मेरी किडनी की जरूरत है, मेरा भाई है, बहुत सगा संबंधी है, उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, क्या मेरी हेल्थ उसको किडनी देने के बाद ठीक रहेगी। आपको मालूम है कि काम तो एक ही किडनी करती है, लेकिन भगवान ने हमारे बॉडी में इसको एक स्पेयर पार्ट के रूप में दिया हुआ है कि जब कभी जरूरत पड़े तो आप किसी और की जिंदगी बचा सकते हैं, या कभी आपकी एक किडनी खराब हो जाए तो ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि दूसरा ऑर्गन भी आपकी जिंदगी को बचा के रख सकता है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि चाहे आपने किडनी लेने वाले की पत्री देखनी है, चाहे आपने किडनी देने वाले की हॉरोस्कोप देखनी है, आपको सिम्टम सेम मिलेंगे। उनमें से कुछ सिम्टम है जो नीचे दिए गए हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िए, हॉरोस्कोप के लगा लगा के देखिए। किडनी डोनर की हॉरोस्कोप लीजिए, किडनी लेने वाले की हॉरोस्कोप लीजिए। दोनों पे लगाओगे 8, 10, 15, 20 पत्रियां लगाओगे तो आपको ये बीमारी कैसे देखते हैं समझ आ जाएगा। समय मिला सिलेबस के बाद हम भी लगाएंगे। अब इसमें कुछ छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं जो वाइटल ऑर्गन होते हैं लेकिन स्मॉल होते हैं। उनमें से हमारा एक बीमारी है जो उन ऑर्गन्स को पकड़ती है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को पकड़ती है, जो नेचर में छोटी होती हैं लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उनमें से एक बीमारी हर्निया की है। हर्निया मेल फीमेल को किसी को भी हो सकती हैं। ये एक प्रोस्ट्रेशन प्रोसेस है, किसी एक भाग का सूजना, बढ़ना, बड़ा हो जाना, जरूरत से ज्यादा साइज का बढ़ जाना। जनरली ये इंटेस्टाइन का एक हिस्सा होता है जो एब्डोमेन की किसी दीवार से, एब्डोमेन वॉल होती है उसके साथ लगता हुआ ये बड़ा हो जाता है।
उसके बड़े होने से हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी लाइफ नॉर्मल नहीं रहती। चलिए, जो अपने जिनका शरीर भारी होता है, सुस्त किस्म के इंसान रहते हैं, जो ज़्यादा मसल से काम नहीं लेते, जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह ज़्यादा रहता है, वहाँ पे जहाँ कैविटी फॉर्म होती है वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हर्नियों की हो जाती है। सर्जिकल ऑपरेशन इसका सबसे बढ़िया इलाज माना गया है। और इनको भी हम सेवंथ हाउस से देखते हैं, लिब्रा साइन से देखते हैं। वीनस मून इनके कार का प्लेनेट है। जब कभी चंद्रमा सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड दोनों कमजोर हों, और ऐसे में ये जो बुरे प्लेनेट हैं सैटर्न, राहु, केतु, और उस समय इनको अफ्लिक्शन में ले लें, तो उस समय हर्निया हो सकती हैं आपको। उनका मेन मेन ये जो इफेक्टिव है, 8 सूत्र यहाँ दिए गए हैं, इनको अपने हॉरोस्कोप पे लगा के आप देखिए। नेक्स्ट आता है स्प्लीन। स्प्लीन एक बहुत ही छोटा सा भाग होता है जो हमारी स्टमक के एक साइड लगा होता है, और उसमें मैं आपको दिखाता हूं, डायफ्राम के पास ही लगा होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, और जो हमारे डेड ब्लड सेल हैं उनको ये दोबारा चार्ज करती है। जहां कहीं हमारी बॉडी में स्प्लीन खराब हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। स्प्लीन में सोजिश आ जाना, स्प्लीन का भ्रष्ट होना जिंदगी के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे समय में हमारे पास ऑपरेशन के बिना और कोई गुजारा नहीं रहता। लेकिन जब कभी स्प्लीन भारी हो जाती है, सूज जाती है, अपना साइज उसका बढ़ जाता है, उस समय एस्ट्रोलॉजिकली चंद्रमा इसका कारक है। सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड वीनस इसके कारक का प्लेनेट है। जब कभी ये मंगल, सैटर्न, राहु की वजह से ये अफ्लिक्शन में आ जाते हैं, तब स्प्लीन की प्रॉब्लम आ जाती है। आगे आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये मेल्स में पाए जाने वाला एक ग्लैंड है जो हमारे यूरिन सिस्टम में पाया जाता है। ये सीमन को खुराक देता है, सीमन की क्वालिटी को बढ़िया करता है, लेकिन कभी कभी इसमें सूजन आ जाती है, अफ्लिक्शन से किसी भी तरीके से इसमें ब्लॉकेज आ जाती है, क्योंकि ये हमारी यूरिन पाइप के ऐसे भाग में जुड़ा हुआ है जहां से यूरिन का स्मूथ पास आउट होना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में मेल पर्सन जो होते हैं, खासकर ये बीमारी पहले भी हो जाती है लेकिन 60 साल के बाद ही आती है, उनको प्रॉब्लम आती है कि उनको बार बार यूरिनेट करना पड़ता है, एक बार में यूरिन पास नहीं होता। समटाइम जो यूरिन का प्रेशर जाता है दूर तक वो नहीं जाता। ऐसे समय में वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले उनका टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद कई बार बीमारियां सूजन सूजन होती है, इन्फेक्शन से ठीक हो जाती है, कई बार छोटा मोटा ऑपरेशन भी करना पड़ता है। मंगल, शुक्र इसके मेन कारका हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। इसी तरह एक ग्लैंड है एंड्रिनल ग्लैंड, ये भी सेवंथ हाउस से देखा जाता है। ये किडनी के ऊपर, जैसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से किडनी की फोटो आप देखो, किडनी के ऊपर लगे होते हैं, दोनों किडनियों के ऊपर लगा होता है। ये बहुत ही काम के हैं, हमारी सेक्सुअल बिहेवियर को ये डील करते हैं। कई बार यदि सिक्रीट, इसके जो सिक्रीशन निकलती है वो कम हो, तो
इंसान इंपोर्टेंट भी हो जाता है। कई बार इसकी सेक्रेशन यदि जाती ज्यादा हो जाए तो सेक्सुअल ऑर्गन को जरूरत से ज्यादा बड़ा कर देती है, और जिसकी वजह से उनकी एजिंग फैक्टर, उसको ढीलापन उसमें बहुत जल्दी आ जाता है। कई बार यदि ये सिक्रीशन जो है, यदि साइज ऑफ द ब्रेस्ट को भी डील करता है। कई बार कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी जो ब्रेस्ट है पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाती, वो भी हमारी जो एंड्रल ग्रैंड है उसमें से जो सिक्रीशन होती है उसकी कमी से होती है। कई बार ऐसा होता है कि लेडीज की ब्रेस्ट बहुत ढीली होती है, उनमें टाइटनेस नहीं आती, उस समय जब सिक्रीशन बढ़ जाती है वो ब्रेस्ट के साइज को, आपके सेक्सुअल बिहेवियर को इफेक्ट करती है। कई बार रोजल के समय उल्टी का आना एक महत्वपूर्ण बात बन जाती है, हेडेक का होना महत्वपूर्ण बात बन जाती है। एस्ट्रोलॉजिकली मंगल, वीनस और जुपिटर इसके कार्य का प्लैनेट है। डिजीज ऑफ द फीमेल ऑर्गन्स, फीमेल ऑर्गन में जैसे मेल ऑर्गन में डिजीज होती है उसको भी साथ में घर से देखा जाता है। मंगल फीमेल उसमें डिजीज का कारक है, ट्यूमर का भी कारक है, और बुध का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। वीनस ओवरीज का कारक है, चंद्रमा मेंस्ट्रुअल साइकिल का कारक है इन फीमेल। सर एक सवाल, सर बोलिए। जो हाँ आप कहते हो ना मंगल कार का है, वीनस कार का है, तो इसको देखना है कि स्ट्रॉन्ग होता है तो होता है कि लोकेशन से होता है। देखिए, जब ये प्लेनेट जो मैंने कार का बताए हैं, जब कभी इनका मेन, आप एक ही बात सोचिए कि जब ये अनअफ्लिक्टेड पड़े हैं तो हमारा सारा कुछ नॉर्मल है। जब ये ऐसे स्थान पे पड़े हैं जहां पे ये उसके कारका भी हैं और इनको बहुत बुरी अफ्लिक्शन भी आ रही है, जब अफ्लिक्शन आ रही है किसी बुरे प्लैनेट के साथ आ रही है, तो ये अपना काम तरीके से नहीं करने देते। जैसे चंद्रमा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कारक है, जब भी किसी को पीरियड आते हैं उसका चंद्रमा उनके नेटल मून को टच कर, नेटल मंगल को टच करता हुआ जाता है, तब पीरियड आते हैं। और वो 28 दिन का साइकिल होता है, इसीलिए पीरियड का साइकिल भी 28 दिन का होता है, 27, 27, 28 दिन का होता है। और वहां से उसने गुजरना होता है 1-2 दिन पहले, 1 डिग्री और 1-2 दिन तक बाद तक इसका 3 से 5 दिन तक का साइकिल रहता है। जब भी कभी किसी के चंद्रमा को मंगल की अफ्लिक्शन होगी, चंद्रमा को राहु की अफ्लिक्शन होगी, चंद्रमा किसी तरह से भी अफ्लिक्टेड होगा, तो ये मान के चलो कि उस बच्चे को, उस औरत को, उस लेडी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो सर डेबिलिटेटेड होगा तब भी होगा। डेबिलिटेटेड नहीं, डेबिलिटेटेड से नहीं होगा, अफ्लिक्शन से ही होगा। अफ्लिक्शन से होगा, अफ्लिक्शन से होगा, साथ में बैठने से होगा। अफ्लिक्शन साथ में बैठने से भी हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सर। अफ्लिक्शन साइड साथ में बैठने से भी हो जाती है, अफ्लिक्शन देखने से भी हो जाती है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लड़कियों में। उनका देखिए, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है किस किस चीज पे डिपेंड करता है, उनके मूड पे डिपेंड करता है, उनके दिमाग पे कोई प्रेशर आ जाए उसके भी ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉवर्टी से लेके मेनोपॉज तक चलना होता है, इसलिए हमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत होती है कि कोई फीमेल, इसके गलत परिणाम भी निकलते हैं यदि इसको ना देखा जाए। और नॉर्मली व्हेन मार्स इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंस द नेटल मून और लगना मेंस्ट्रुअल स्टार्ट्स, जनरली एक लड़की की जब पॉवर्टी स्टार्ट स्टार्ट होती है तो
जब नेटल जो मून होता है उसके ऊपर से मंगल गुजरता है तब वो स्टार्ट होती है। लेकिन इसके बाद इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं सम टाइम। इसमें जो लिकोरिया की प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें एंड्रिन की प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें प्रेगनेंसी में भी इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार अचानक पीरियड का बंद होना एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, और इंटरप्शन ऑफ मेंसेस ड्यू टू द रीजन सम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन सडन शॉक वरी और मेंटल स्ट्रेस और फियर ऑफ प्रेगनेंसी। कई बार तब भी पीरियड नहीं आते। आजकल बच्चे हम आपके पास बहुत आएंगे, आपको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए। एज एस्ट्रोलॉजर आपके पास बहुत बच्चे आएंगे जब आपको बोलेंगे अंकल या आंटी हमने किसी के अब फ्रेंड के साथ सेक्स कर लिया है और मुझे पीरियड नहीं आए हैं, आप मुझे बताइए कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार फियर ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो भी हमें पीरियड को ब्लॉक कर देती है। ये हर चीज आपने देखनी है, बहुत ही आसान है देखना, लेकिन जब आप इस पे काम करोगे तब ये आसान है। यदि आप काम नहीं करेंगे तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, मैंने जवाब कहाँ से देना है। ये सिक्स्थ हाउस वर्गो साइन, सेवन्थ हाउस लिब्रा साइन, मून एंड मार्स कार का प्लेनेट है पर इरेगुलर फ्लो, एंड सैटर्न जो पेन का कारक है। जब इरेगुलर फ्लो आता है तो पेन भी बहुत होती है। इरेगुलरिटीज का भी कारक सैटर्न ही है। जब भी कभी चंद्रमा मंगल और सैटर्न का इकट्ठा हो जाना वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। जिस लड़की के जन्म में चंद्रमा सैटर्न के साथ है मंगल उसको देख रहा है उसको प्रॉब्लम आएगी, चंद्रमा मंगल के साथ है सैटर्न उसको देख रहा है तो भी प्रॉब्लम आएगी, चंद्रमा मंगल सैटर्न इकट्ठे बैठे उनको भी ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। सर तो एक फिर सवाल पूछ रही हूँ कि अगर मार्स फिफ्थ लॉर्ड हो या फिफ्थ हाउस में बैठा हो तो और लगन में चंद्रमा बैठा हो तो ऑब्वियसली जो कहते हैं कि बच्चे की कंसेप्शन तो फिफ्थ लॉर्ड से होगी या मार्स फिफ्थ हाउस में बैठा है तब होगी। तो जब आप कह रहे हो मून के ऊपर आ गया तो ट्रांजिट आ गया तो मार्स, फिर वो कैसे दोनों में से क्या होगा? देखिए मंगल यदि पांचवें घर में बैठा है चंद्रमा को देखेगा ही नहीं। नहीं अगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा है तो होगी ना, एस्पेक्ट हो गया 1-5। कैसे हो गया? फिफ्थ से मंगल का तो आठवां एस्पेक्ट होता है। फिफ्थ से आठवां एस्पेक्ट बनता है। okay. मंगल का आठवां होता है। ओके तो ट्रांजिट में फिर कैसे होगा? ट्रांजिट में तो उसने जब पहली बार किसी लड़की ने पॉवर्टी अटेन करनी है तब वो मंगल वहां से घूमता हुआ आएगा। हाँ जी। बैठा कहीं भी हो जब चंद्रमा को छू के जाएगा उस दैट विल बी द टाइम वो लड़की उस एज की हो जब उसको पीरियड स्टार्ट होने हैं, तब मंगल जब चंद्रमा नेटल चंद्रमा के ऊपर से गुजरेगा तो वो समय होगा जब उसको पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद तो मैंने ये बात बोली है कि जब भी कभी चंद्रमा को मंगल का अफ्लिक्शन आएगा सैटर्न का अफ्लिक्शन आएगा तो पेनफुल पीरियड आएंगे। ओके। सैटर्न पेन का कारक है, सैटर्न ऑब्स्ट्रक्शन का कारक है। अब आम तौर से हमारे घरों में देखा जाता है जब किसी बच्चे को ऐसा होता है तो उसके हमें कई बार गर्म पानी का ब्लैडर उसको देना पड़ता है, कई बार और चीजें देनी पड़ती हैं उनको। ये पीरियड में प्रॉब्लम आएगी आएगी जब ऐसा कभी हो जाएगा। ये छोटा सा एक 8 पेज का लेक्चर है, इसको आप यदि अच्छे से देख लेना तो आपकी जिंदगी में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा पीरियड आपका क्लियर हो जाएगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बड़ा हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपके ये 7th हाउस 6th हाउस 8th हाउस को ये आप मास्टरी कर लेना तो जिंदगी में और कुछ सीखने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं मेडिकल इतनी प्रॉब्लम आती है इसमें, और आपको आपको शांति कब आती है जब इतने बच्चे आपके पास परेशान आते हैं, किसी को प्रेगनेंसी का खतरा है, किसी को पीरियड का खतरा है, किसी को किसी के पीरियड अचानक बंद हो गए हैं, कोई यंग बच्चे आते हैं अचानक 40 साल की लड़की आपके पास आई लेडी भी मेरे तो पीरियड अचानक बंद हो गए जी, मेरे तो हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। तो अब आपकी थोड़ी सी ज्ञान उसको शांति देता है तो आपको एक अंदर से एक शांति मिलती है कि मैंने इस बच्चे को यार फियर से अलग कर दिया। कई बार पेरेंट्स आते हैं
वो नहीं बचा चाहते, अचानक उनका पीरियड नहीं आए तो आप बता देते हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, कोई बात नहीं, ये वैसे घर में झगड़ा हो गया होगा, वो स्ट्रेस आ गया होगा इसलिए पीरियड नहीं आए। कितनी बड़ी बात है। तो आप इसको, यदि इसको पॉजिटिव लें तो ये बहुत बढ़िया, एक आपके पास नॉलेज का खजाना है, सेवंथ हाउस, इसको अच्छी तरह से पढ़िए। और अब लकोरिया जैसी बीमारी है, लकोरिया देखो इससे डिजीज डिस्चार्ज की बीमारी है, वजाइनल से पानी जैसा कोई डिजीज आता है जो बंदे को थकावट भी पहुंचाता है, इचिंग भी देता है, फटीक भी देता है। और ये जो बीमारी है ये कुछ बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक तो हाइजीन की कमी की कारण हो जाती है, मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव हम जब ज्यादा कॉपर्टी जैसी यूज करते हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जो कॉपर्टी यूज करती हैं, उनको ये लकोरिया अक्सर हो जाता है, तो विजाइनल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। वीनस मून एंड सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड की वजह से कोई इनको प्रॉब्लम आती है तो ये लकोरिया हो जाता है। आप देख सकते हैं ये टेम्परेरी है, परमानेंट है, कोई टेम्परेरी इन्फेक्शन आई है कोई बात नहीं, हो जाएगा ये ठीक, परमानेंट है, उसका इलाज करा दो। इम्पोटेंसी है, इम्पोटेंसी कितना बड़ा एक फैक्टर है, इम्पोटेंसी स्टरलिटी दो ऐसी चीजें हैं जो वैवाहिक जीवन को तोड़ देती हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इफ इट इज टेम्परेरी, साइकोलॉजी के तो साइकोलॉजिक सीटिंग करवा दो, परमानेंट है तो परमानेंट में इसका इलाज करवा दो। लेकिन जहां पे कोई इंजरी आई है, जहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, जब ठीक नहीं होती, आप बोल सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं हो रही, इसमें तीन चार तरह की है ये इम्पोटेंसी। आप इस टॉपिक को, टेम्परेरी इम्पोटेंसी है, परमानेंट इम्पोटेंसी है, आप इस टॉपिक को आप अडॉप्ट करो, इस टॉपिक पे काम करो, आप मैच्योर्ड पर्सन है सारे, इस पे काम करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमने कितनी बड़ी राहत लोगों को आप दे रहे हैं। पेरेंट्स आपके पास आते हैं कि हमारी प्रॉब्लम बच्चे नहीं हो रहा, आप देखते हैं कि यार ये इम्पोटेंसी है, लेकिन इम्पोटेंसी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। आप उनको गाइड करते हैं, उनका बच्चा हो जाता है, देखो उनकी जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, और उनकी जो इम्पोटेंसी की वजह से वो जो महसूस कर रहे हैं, आप जिंदगी में सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, वो भी दूर हो जाती है। सेम इज विद द स्टरिलिटी, स्टरिलिटी जो होती है फीमेल्स में होती है, इम्पोटेंसी के जो भी सिम्टम है वो स्टरिलिटी के वही सिम्टम है, उनके अलावा कुछ सिम्टम है जो हम स्टरलिटी के लिए देते हैं, वो आप देखो उसको करके आपको राहत मिलती है, आप अपने आप में अपने को बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं कि हमने ऐसा किया है। देखिए उसके बाद अब ये लेक्चर आपका सेवंथ हाउस का मैंने सारे टच कर दिए हैं, जो भी आप कहें कोई एक टॉपिक उसको डिटेल कर लेते हैं। सर एक चीज रह गई, आपने डिजीजेस तो बता दी, आपने इसमें ये नहीं बताया कि प्रेगनेंसी किस वक्त होती है, ओके सेवंथ लॉर्ड का रोल है कि प्लैनेट इन सेवंथ हाउस है, कहाँ एस्पेक्ट आएगा कि फिफ्थ लॉर्ड का रोल है। ओके ओके मैं आपको बताता हूँ, इस घर का नहीं है, प्रेगनेंसी में पिछली आपको बता चुका हूँ, फिफ्थ लॉर्ड आप फिफ्थ हाउस में बता चुका हूँ, आपने हाँ ध्यान नहीं दिया है शायद, आपको याद नहीं है, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। आपकी ऐसे ओपन शायद सर, हाँ जी बताओ। देखिए आपको ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ये एवरीज हैं, और ये कब एक्टिव होती हैं, कब एक्टिव होती हैं, ये एक्टिव उस समय होती हैं जब जो हमारा एग है उसको मिडल पीरियड होता है, बने हुए 27 दिन का टोटल पीरियड में से आप बीच के 2 दिन ले लो, एक तरफ 13 दिन एक तरफ, 13 दिन एक तरफ कर दो, जो बीच के 2 दिन होते हैं उस समय ये इस फॉर्म में होता है कि आपका जो स्पर्म की जो ताकत है, उससे ताकत के साथ जो स्पर्म उसको तोड़ सकता है, एक को तोड़ के बीच में घुस जाता है, जब वो घुस जाता है तो उस समय एग फॉर्म होता है, एग का उस समय प्रेगनेंसी होती है। वो प्रेगनेंसी का सिस्टम एस्ट्रोलॉजिकली क्या है, मेडिकली तो आप लोग सब जानते हैं, सब मैरिड है, सब सब समझ सकते हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकली क्या है कि बृहस्पति हमें चाइल्ड गिवर माना जाता है, बच्चे का देवता,
माना जाता है नेचुरल देवता फॉर ब्लेसिंग यू विद ए चाइल्ड इज बृहस्पति। तो उस समय ऐसा होता है कि बृहस्पति का पांचवें घर से, पांचवें घर के लॉर्ड से ट्रांजिट में कोई संबंध होना चाहिए। उससे पहले जो गोचर है उसका एक नियम है, जो ट्रांजिट है दैट इज सब सर्वियंट ऑफ द दशा सिस्टम। दशा भी ऐसे प्लैनेट की चलनी चाहिए जिसका पांचवें घर से, दूसरे घर से और ग्यारहवें घर से संबंध हो। दूसरा घर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली का है, पांचवा घर आपके बच्चे की चाहत का है और ग्यारहवां घर उस चाहत की इच्छा पूर्ति का है। जब कभी ऐसी दशा आती है जो आपको फैमिली एक्सपेंशन देती है, बच्चे का सुख देती है, उस समय यदि बृहस्पति पांचवें घर को देख रहा हो, पांचवें घर के ऊपर से गुजर रहा हो, पांचवें घर के स्वामी के ऊपर से गुजर रहा हो या पांचवें घर के स्वामी के साथ गुजर रहा हो, साथ में आगे बैठ जाए, तो वो समय होता है कि आप या आपकी वाइफ, यदि आप फीमेल है तो आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, आपकी वाइफ, यदि आप यदि मेल है तो आपकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, आपके जो शुक्राणु हैं, आपके जो वो आपकी वाइफ के यूट्रस को हिट करके उसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं, जिससे आपको प्रेगनेंसी देखते हैं कि फीमेल से देखते हैं कि दोनों का देखना पड़ता है। देखिए ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम खेती करते हैं, ए गुड क्वालिटी ऑफ सीड एंड गुड क्वालिटी ऑफ लैंड एंड गुड क्वालिटी ऑफ लैंड कैन गिव बर्थ टू ए हेल्दी प्लांट। इसी तरह हमारे शुक्राणु जो है वो उनमें ताकत होनी चाहिए, उसके लिए हम वीनस की क्वालिटी को देखते हैं। वीनस किसी भी तरह से कंबस्ट नहीं होना चाहिए, वीनस किसी भी तरह से अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। जो वीनस की हेल्दीनेस है वो मेल की स्पर्म की क्वालिटी है, और जरूरी है उसके लिए कि वीनस जो है वो सूर्य के नजदीक हो, बहुत ज्यादा भी नजदीक ना हो, बहुत दूर भी ना हो, इसके लिए सीमाएं हैं। यदि वीनस विद इन 3 डिग्री टू सन है तो भी स्पर्म के जलने का खतरा रहता है। यदि वीनस 43 डिग्री प्लस अवे है सन के सन से तो भी स्पर्म की काउंट का कम होने का खतरा रहता है। वीनस राहु के साथ है या किसी केतु के साथ है, वीनस जब भी कभी किसी कष्ट में है मेल की कुंडली में तो ये थ्रेट देता है स्पर्म काउंट को। उसके बाद क्षेत्रीय सूटा आता है जिसे फीमेल बोलते हैं, उसकी विजाइनल प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए, साइकिल उसका प्रॉपर होना चाहिए, यूट्रस की वाल जो है उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि जो यूट्रस है उस प्रेगनेंसी को होल्ड करके रख सके। फेलोपियन ट्यूब्स बिल्कुल साफ रहनी चाहिए, ओवरी बहुत ही ठीक से होना चाहिए। इसके लिए इसी सातवें घर में सारा कुछ एवरीज के बारे में और दिया गया है, फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़िए। आपको इसको अच्छे से पढ़ने से के बाद जो हॉरोस्कोप आपके पास ऐसी हैं जहां पे बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा होके डिस्ट्रॉय हो रहा है, ऐसी हॉरोस्कोप्स लगाइए, लेके आइए। नेक्स्ट यदि आप कहो तो आई कैन डेडिकेट नेक्स्ट पीरियड फॉर दिस प्रैक्टिकल, यदि आपको अच्छा लगेगा। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फिर आपको दोबारा बार बार बोलता हूं कि प्रैक्टिस कीजिए दिए हुए सारे सिम्टम्स को, दिए हुए कॉम्बिनेशंस को बार बार देखिए, बार बार वीडियो को सुनिए, आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक सुनिए, ताकि आप
इस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को बड़े आसानी से सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।